अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर का आर्किटेक्चर सब्जेक्ट की फ़र्स्ट यूनिट जिसका फर्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ डेस्कटॉप कंप्यूटर्स अब डेस्कटॉप कंप्यूटर्स तो आपको पता ही होंगे जो आप घर में और ऑफिसे में या लैब्स में कंप्यूटर लैब्स में जो यूज़ होते हैं वो सारे डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं तो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या होती है ये सारी फंक्शनल यूनिट्स होती हैं जिसमें इनपुट यूनिट होती है मेमोरी यूनिट्स होती हैं सीपीयू है, होता है आउटपुट यूनिट होती है एंड सी पी यू के अंदर भी क्या होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर्स तो होता क्या है कि आप जो भी इनपुट देते हो विद दी हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइस लाइक कीबोर्ड माउस माइक्रोफोन ये किसके पास जाता है सी पी यू के पास सी पी यू क्या करता है जो भी इंस्ट्रक्शन दिया है उसको एग्जीक्यूट करवाता है विद द हेल्प ऑफ मेमोरी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर्स यूज करके उस इंस्ट्रक्शन को वो एग्जीक्यूट करता है और जो उसको प्रोसेसिंग करता है वो जो आउटपुट आता है वो आउटपुट यूनिट यानी कि या तो आपको मॉनिटर पे डिस्प्ले हो जाएगा या अगर आप उसकी हार्ड कॉपी चाहते हो तो वो प्रिंटर पे डिस्प्ले हो जाएगा या प्लॉटर पे डिस्प्ले हो जाएगा अगर कोई ग्राफिक्स है तो वो प्लॉटर पे डिस्प्ले हो जाएगा तो इस टाइप से जो है हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर वर्क करता है इनपुट यूनिट से जो भी इंस्ट्रक्शन या डेटा आता है उसमें प्रोसेसिंग करता है सी पी यू विद दी हेल्प ऑफ अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट कंट्रोल यूनिट रजिस्टर और मेमोरी यूनिट को यूज़ करके और जो भी आउटपुट जनरेट होता है जो भी रिजल्ट जनरेट होती है या तो वो मोनिटर पर डिस्प्ले करता है या प्रिंटर पर हार्ड कॉपी के फॉर्म में हमें मिलता है तो जो मेमरी है अब हमें पता इनपुट आउटपुट डिवाइसेस ये सब होते हैं तो मेमोरी जो होती है यहाँ पर जो मेमोरी यूज़ होती है वो दो टाइप की होती है एक प्राइमरी मेमोरी एक सेकेंडरी मेमोरी प्राइमरी मेमोरी मेनली हम किसे बोलते हैं रैम को रैंडम एक्सेस मेमोरी को जो कि फास्ट होती है स्मॉल होती है लेकिन एक्सपेंसिव होती है स्टोर किया जाता है स्टोर प्रोग्राम्स एंड एक्टिव डेटा जो फ्रिक्वेंटली यूज डेटा एंड प्रोग्राम्स हैं उनको कहाँ पर स्टोर किया जाता है प्राइमरी मेमोरी की प्राइमरी मेमोरी में क्योंकि जब भी कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है तो उसे रैम में होना कंपलसरी है क्योंकि सी जो है वो सिर्फ रैम से ही इंटरेक्शन करता है तो जब तक प्रोग्राम रैम में नहीं आएगा तब तक वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो सकता है लेकिन हमें जो परमानेंट और ये जो होती है मेमोरी रैम जो होती है वो वॉलेटाइल मेमोरी होती है जिसमें टेम्परे जिसमें क्या होता है कुछ टाइम के लिए प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं तो स्टोर होते हैं और जैसे ही उसका एग्जीक्यूशन कम्प्लीट हो जाता है तो वो वहाँ से डिलीट कर दिए जाते हैं रेज हो जाते हैं तो इसीलिए ये वॉलेटाइल मेमोरी है लेकिन अगर आपको प्रोग्राम्स और डेटा को परमानेंटली स्टोर करना है तो उस केस में हमें किसका यूज़ करना पड़ता है सेकेंडरी मेमोरीज़ का लाइक मैग्नेटिक टेप्स मैग्नेटिक डिस्क जो कि लार्ज इन साइज होते हैं स्लो होती हैं और चीप होती हैं ठीक है तो लेकिन जो सी पी यू है वो डायरेक्ट इंटरेक्शन सिर्फ रैम से ही करता है तो जो परमानेंट डेटा स्टोरेज या प्रोग्राम्स होते हैं वो सेकेंडरी स्टोरी में सेकेंडरी मेमोरी में रख के जाते हैं और जब भी कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना होता है जैसे सी पी यू चाहिए होता है एग्जीक्यूशन के लिए उसको सेकेंडरी मेमोरी से कॉपी करके किस में लाया जाता है प्राइमरी मेमोरी में तो प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होता है तो उसे प्राइमरी मेमोरी यानी रैम में लाया जाता है नेक्स्ट क्या है अर्थ सी पी यू है तो सी पी यू क्या होता सी पी यू इज़ ए ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सारा काम जो है वो कौन करवाता है सी पी यू वो खुद नहीं करता है वो करवाता है तो इट वर्कस एज एन एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ ए इस सिस्टम वो एडमिनिस्ट्रेटर के वर्क एडमिनिस्ट्रेटर की तरह वर्क करता है कि किस यूनिट से कौन सी फंक्शन यूनिट से कौन सा काम करवाना है वो पूरा सी पी ओ डिसाइड करता है इट कंट्रोल्स तो ऑल इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवाइसेस जितने भी इंटरनल और एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं जैसे मेमोरीज हैं सी पी कंट्रोल यूनिट्स हैं अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट है ये क्या इंटरनल डिवाइसेस हैं और एक्सटर्नल डिवाइसेस क्या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो हैं इन सभी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट कौन करता है हमारा सीपीयू इट परफॉर्म्स अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन विद द हेल्प ऑफ अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट इट कंट्रोल्स द मेमोरी यूसेज इट कंट्रोल द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन तो मेमोरी को कंट्रोल करना है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट को कंट्रोल करना है ऑपरेशंस का सीक्वेंस को कंट्रोल करना ये सारा काम कौन करता है सीपीयू और किस किसकी हेल्प से ये सारा काम वो कर पाता है सीपीयू पी कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स जिनकी हेल्प से वो क्या करता है ये सारे ऑपरेशंस या सारे वर्क परफॉर्म कर पाता है तो अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट होती है सी के अंदर कंट्रोल यूनिट होती है और सी रजिस्टर्स होते हैं तो अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट यहाँ पर दो है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यानी अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट दो टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म करता है अर्थमेटिक ऑपरेशन लाइक एड सब्सटेक्ट डिविजन मल्टीपीकेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशन लाइक एंड और इनवर्टिंग के ऑपरेशन जो है वो अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेश लॉजिकल यूनिट परफॉर्म करता है नेक्स्ट क्या है सीपी यू का पार्ट कंट्रोल यूनिट इट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज अमंगशनल यूनिट जो सी पी यू का मेन पार्ट है जो पूरे फंक्शनल यूनिट्स यानी इनपुट आउटपुट या एक्सटर्नल इनपुट एक्सटर्नल और इनपुट डिवाइसेस को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है वो कौन है कंट्रोल यूनिट यानी सीपीयू का कंट्रोल यूनिट वाला जो पार्ट है वो सारे फंक्शनल यूनिट्स की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है इसके क्या फंक्शंस हैं इट फैच इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी वो इंस्ट्रक्शन जो भी उसे एग्जीक्यूट करवाना है उसको फैच करता है मेमोरी से लेता है उसको डिकोड करता है आइडेंटिफाई करता है कि किस टाइप का ऑपरेशन है और फिर उसको एग्जीक्यूट करवाता है जिस भी यूनिट से उसे एग्जीक्यूशन करवाना है सेंडिंग कंट्रोल सिग्नल टू करस्पॉन्डिंग यूनिट इसका मतलब क्या है कि अगर सपोज ऑपरेशन था एड तो एड फैच हो के से फैच हो के कंट्रोल यूनिट के पास आया वो उसको देखेगा डिकोड करेगा कि ये है क्या ऐड है सब्सटेक्ट है मल्टीप्लाई है जैसे उसे पता चला ऐड है तो ऐड है तो वो क्या करेगा ये सिग्नल कंट्रोल सिग्नल किसको देगा अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट को कि ऐड ऑपरेशन परफॉर्म करो लेकिन सपोज इंस्ट्रक्शन मेमोरी से डेटा रीड करने का होता ठीक है तो डिकोड करने पे उसे पता चलता कि ये किसको देना है मेमोरी से डेटा रीड करना है तो वो किसको सिग्नल सेंड करता मेमोरी को तो जिस भी करस्पॉन्डिंग यूनिट के लिए वो सिग्नल है वो इंस्ट्रक्शन है उसी करस्पॉन्डिंग यूनिट को वो सिग्नल प्रोवाइड करेगा कि ये काम करो